अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपको विजिट कराऊंगा ये 10 मरले का खूबसूरत 5 बेड डबल यूनिट हाउस। लोकेशन की बात करेंगे तो बहरिया टाउन फेज 8 रॉयल पॉइंट इस घर की लोकेशन है। 5 बेड डबल यूनिट हाउस है ये। प्लॉट की जो डायमेंशन है 3570 प्लॉट का साइज है। 5 बेडरूम हाउस है ये। ये आप देख सकते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन नाइट टाइम में। इसकी जो डे टाइम के पिक्चर है वीडियो से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट पे टोटली मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जो व्हाइट लाइट के साथ जो एजेस ये मूव कर रहे हैं इसमें टोटली टाइल का यूज़ हुआ है। बाकी जो फ्रंट पे है टोटल जो है वाइट वॉश का यूज़ हुआ है। बात करेंगे अब इसके एक्सटेंडर लॉन की। आप देख सकते हैं खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया हुआ एक्सटेंडर लॉन को। ये घर का जो पार्किंग रैंप है जिसमें ईजिली दो गाड़ियों की जो पार्किंग की अवेलेबिलिटी है। टफ टाइप का यूज़ हुआ है इसके पार्किंग रैंप पे। बाकी जो वॉकिंग रैंप पे आप देख सकते हैं। घर की जो लोकेशन है भैरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी। गेट आप देख सकते हैं इसका, वैसे आपको एक पिक्चर में देखने को मिल जाएगा जो वीडियो के शुरू में गिवन है इसके फ्रंट एलिवेशन की। गेट पे जो है मैचिंग जो है इसकी जो फेंस है टेरेस की उसके साथ इसको मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन में इसको डिज़ाइन किया हुआ है। एंटर होते साथ ही आप देख सकते हैं टाइल्स का यूज़ हुआ हुआ है इसके पोर्च पे। सीलिंग को आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से वार्म प्लस वाइट लाइट के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। राइट साइड पे हमारे पास साइड लॉबी एरिया आ गया इसका, जो साइड गैलरी एरिया है यहाँ पे भी इजीली एक गाड़ी की पार्किंग की जो अवेलेबिलिटी है। टोटल पोर्च साइज़ आप देख सकते हैं इसका, यहाँ पे दो गाड़ियों की जो है पार्किंग की अवेलेबिलिटी है। प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है ये। यहाँ से मूव करेंगे इसकी जो साइड गैलरी एरिया, किचन का गेट है, बाकी आगे इसका लॉन्ड्री एरिया, फिर इसकी जो है बैक मॉस मार्केट कमर्शियल पार्क की जो एक्सेस है घर से बिल्कुल करीब है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने से जो है इसकी ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस है। एक्सट्रीम राइट साइड बात करेंगे तो यहाँ से इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है और लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है। अगर इन फ्यूचर आप इसको प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते हैं एक फ्लोर को, तो आप इजीली उसको एक्सेसिबल है, आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं। मूव करेंगे इसे ग्राउंड फ्लोर की तरफ तो एंटर होते साथ ही आप देख सकते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर अगर बात करेंगे तो यहाँ से इसका गेट है इसका फर्स्ट फ्लोर का। स्टेयर्स है, स्टेयर लॉबी। ये इसका पाउडर एरिया आ गया। कंसील्ड सीट्स का यूज़ हुआ है। एक्सेसरीज जो है बोटा की यूज़ हुई है वॉशरूम्स में। और राइट साइड पे हमारे पास आ गया इसका ड्राइंग रूम का, जिसमें आप देख सकते हैं इसके फ्लोर पे टाइल्स का यूज़ हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं इसकी सीलिंग को खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। सिक्योरिटी ग्रिल्स जो है इंस्टॉल्ड हैं इसमें। यहाँ से एक्सेस है जो पोर्च से जो इसका रास्ता है ड्राइंग रूम का। बात करेंगे आप थोड़ा सा फर्दर मूव करेंगे टीवी लाउंज की तरफ। ये आप देख सकते हैं इसका जो टीवी लाउंज एरिया है खूबसूरत ग्लास स्टाइल में जो है सीलिंग को डिज़ाइन किया हुआ है। शैंडलियर इंस्टॉल्ड है, मिडल में दो फैंस की अवेलेबिलिटी है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कॉर्नर का जैसे ये प्लॉट है जो इसकी ओपन एरिया है इसका, इसके राइट साइड पर जो इसकी साइड गैलरी है। यहाँ से वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए हवादार घर है ये। सामने मीडिया वॉल को डिज़ाइन किया हुआ है खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन में जो है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाता है इसका क्लोज किचन। यहाँ पे आपको डिश वॉशर हो गया, माइक्रोवेव ओवन, पिज्जा ओवन जो है इसमें इंस्टॉल्ड है कंपनी फिटिंग में। साइड गैलरी जो इसका किचन से साइड गैलरी की एक्सेस है। बाकी वेंटिलेशन के लिए विंडो एग्जॉस्ट दोनों की जो है अवेलेबिलिटी है। टू बेडरूम की जो है अकोमोडेशन है इसके ग्राउंड फ्लोर पे। मूव करते हैं फर्स्ट बेड की तरफ। ये आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट बेडरूम है सेम टाइल्स का यूज हुआ है, लाइट कलर कॉम्बिनेशन में इसको डिजाइन किया हुआ है। सिक्योरिटी ग्रिल्स जो है वो इंस्टॉल्ड है। बिल्कुल सामने जो है इसका कबर्ड एरिया। कंसील सीट्स का यूज हुआ है वॉशरूम पे। केल जो है एक्सेसरीज में यूज हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू जो इसकी बैक गैलरी है, जो इसका लॉन्ड्री एरिया होगा बैक गैलरी है। वेंटिलेशन के लिए विंडो की जो है अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। सेकंड बेडरूम की तरफ मूव करेंगे। सीलिंग पे खूबसूरत जो है फीचर्ड वॉल पे इसकी
वार्म लाइट का यूज़ हुआ है, सेम टाइल्स का यूज़ हुआ है बेडरूम में, साइड गैलरी। वॉशरूम आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है इसका। टाइल्स जो है इसकी सीलिंग तक इंस्टॉल्ड है। वेंटिलेशन के लिए विंडो एग्जॉस्ट दोनों की अवेलेबिलिटी। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसके ग्राउंड फ्लोर का। फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। बिल्कुल यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्री के साथ ही जो है इसके लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इसकी जो एक्सेस है फर्स्ट फ्लोर की। राइट साइड पे हमारे पास ड्राइंग रूम एरिया है जिसकी एक्सेस पोर्च से भी है, गिवन है। सामने मूव करेंगे तो टीवी लाउंज है, काफ़ी ओपन स्पेशियस टीवी लाउंज है। सामने मीडिया वॉल है, फिर इसमें साइड जो ओपन विंडो भी है। फिर लेफ्ट पे हमारे पास एक क्लोज किचन है, टू बेडरूम्स की अकोमोडेशन है ग्राउंड फ्लोर पर, जैसे कि आपने विजिट किए। टोटली सेम टाइल का यूज़ हुआ है घर में। हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर, जिसकी एक्सेस आप देख सकते हैं मेन पोर्च से भी है यहाँ से, और इसके जो ग्राउंड फ्लोर है से यहाँ से भी इसके घर के अंदर से एक्सेस है। जेट ब्लैक जो है ग्रेनाइट का यूज हुआ है स्टेयर स्टेप्स पे, एक स्टेप छोड़ के आप देख सकते हैं। वार्म लाइट इंस्टॉल्ड है। थ्री बेडरूम की अकोमोडेशन है इसके फर्स्ट फ्लोर पे विद किचन। प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है ये। एंट्री के साथ ही सेम एज ग्राउंड फ्लोर हमारे पास इसका टीवी लाउंज है, जिसकी सीलिंग को आप देखते हैं ग्लास टेक्सचर में डिज़ाइन किया हुआ है। राइट साइड पे सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है, बस इसका राइट पे जो बेडरूम है जो उसका ड्राइंग रूम था ग्राउंड फ्लोर का, उसकी जगह हमारे पास जो है इसका फर्स्ट फ्लोर में बेडरूम है जो मास्टर बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का। ये इसकी विंडो है जो फ्रंट एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, साइड से जो है इसकी साइड वाली विंडो। वॉशरूम एरिया, ये आप देख सकते हैं इसका जो कबर्ड एरिया। टाइल्स का आप देख सकते हैं प्रॉपर इसकी सीलिंग तक जो है टाइल्स इंस्टॉल्ड है। टेरेस एरिया, लॉन्ड्री के लिए यहां पे भी आप देख सकते हैं स्पेस अवेलेबल है इसके टेरेस में। साइड गैलरी एरिया, हीटिंग के लिए गीजर जो है वो इंस्टॉल्ड है घर में। ग्राउंड फ्लोर पे सेपरेट है और फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो सेपरेट है। बाकी जो है इसके फर्स्ट फ्लोर को जो एक्सप्लोर करेंगे। सेम एज ग्राउंड फ्लोर क्लोज किचन है इसका यहाँ पे। ये इसका जो है फ्रिज एरिया प्लस कंपनी फिटिंग में माइक्रोवेव ओवन के लिए और बाकी जो एक्सेसरीज हैं उसके लिए कंपनी फिटिंग में जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसको। स्पेस जो है अवेलेबल है। रूफटॉप की जो एक्सेस है बिल्कुल यहाँ से है। बाकी सेम एज ग्राउंड फ्लोर जो टू बेडरूम्स हैं सेम टाइल्स का यूज़ हुआ है, सेम कलर थीम को फॉलो करते हुए। फर्स्ट बेडरूम, ये कबर्ड एरिया आ गया इसका। विंडोज़ की अवेलेबिलिटी वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए। लास्ट बेडरूम विजिट करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर का। सेम टाइप का यूज हुआ है लाइट कलर कॉम्बिनेशन में। सीलिंग पे आप देख सकते हैं वार्म लाइट, खूबसूरत तरीके से सीलिंग को डिजाइन किया हुआ है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको उसका जो फर्स्ट फ्लोर है पसंद आया होगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, जो समझने में इसमें इजीली आप समझ सकेंगे उसको। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, एंट्र होता है साथ, बिल्कुल राइट साइड से इसका रास्ता है रूफ टॉप का, बिल्कुल राइट। अगर थोड़ा सा फर्दर मूव करेंगे राइट साइड पे वी हैव द फर्स्ट द मास्टर बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। टेरेस की जो एक्सेस है वो भी इस बेडरूम से अवेलेबल है, प्लस इसका ये एरिया जैसा कि आपने विजिट किया। सामने बिल्कुल टू बेडरूम्स की जो है अकोमोडेशन है, लिविंग रूम जो है आपने सॉरी टीवी लाउंज जो है जैसे कि आपने विजिट किया। यहाँ से एक्सेस है इसकी रूफ टॉप की। अच्छा तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि 10 मरले का खूबसूरत 5 बेडरूम डबल यूनिट हाउस आपको पसंद आया होगा। इस घर की जो लोकेशन है बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी, 3570 जो है इस प्लॉट की डायमेंशन है। कमर्शियल की, पार्क की, मॉस की जो एक्सेस है घर से, जो जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं बिल्कुल वो एक वॉकिंग डिस्टेंस पे, एक छोटी सी ड्राइव पे हैं। जो घर की जो प्राइस है, जो डिमांड है वो है 4,50,00,000 रुपये असिंग प्राइस है। इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी, 4.50 इसकी असिंग प्राइस है। मैं रिपीट कर दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर अपने घर ये विजिट करना है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। 4.50 इज द आसिंग प्राइस, इट्स टोटली नेगोशिएबल। उम्मीद करता हूँ कि 10 मरले का 5 बेडरूम हाउस जो है डबल यूनिट हाउस आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।